वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी लोगों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो है नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन के ऊपर इन विंटर्स। और जैसे कि हम सब जानते हैं, सोने के पहले हम अगर अपने चेहरे को क्लीन करके और डर्ट फ्री करके अगर सोएंगे तो हमारी स्किन सुबह उठते ही बिल्कुल फ्रेश और बहुत ही हेल्दी रहेगी। तो ये जो रूटीन है वो मैं आप सबके साथ अपना शेयर करना चाह रही थी कि बहुत ही मेरे मिनिमम प्रोडक्ट्स है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स मैं नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ये रूटीन डेली फॉलो करना है। तो मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को यूज़ करूँगी जो आपके पास ईजिली अवेलेबल है घर पर, और उसको यूज़ करके मैं अपना नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन आप सबके साथ शेयर करने जाऊँगी। तो आई होप यू गाइस लाइक इट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल। और जो भी इस वीडियो से रिलेटेड या आप अपकमिंग वीडियोस में कुछ अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि आप किस टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं और मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा। सो गाइज लेट्स स्टार्ट, अपना स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने बालों को बांध लेंगे ताकि फेस पे हमारे बाल नहीं आए। सबसे पहले हम कोकोनट ऑयल लेंगे। अगर आपके फेस पे थोड़ा बहुत भी मेकअप है या आपने मॉइस्चराइज़र लगाया कोई भी क्रीम लगाई है तो ऑयल की हेल्प से वो सब रिमूव हो जाएगा। आप कोकोनट ऑयल की जगह आप कोई सा क्लेंजर भी ले सकते हैं। उसके बाद ऑयल से मसाज करने के बाद मैं गार्नियर का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। गार्नियर का वाइट कॉम्प्लेक्शन फेस वॉश मैंने लिया है, उससे अपने पूरे फेस को साफ़ कर लूँगी। जितना भी कोकोनट ऑयल और जितना भी डर्ट है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद मैं एक ड्राई टॉवल से पैट करके अपने पूरे फेस को ड्राई कर लूँगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं हिमालय का एप्रिकॉट स्क्रब यूज़ करती हूँ, तो मैं वो यूज़ करके अपने चेहरे पे हल्का सा स्क्रब करूँगी। बहुत ज़्यादा स्क्रब नहीं करना है मुझे, जस्ट एक हल्का सा स्क्रब अपने फेस पे करना है ताकि जो एक्सेस डर्ट है जो वॉश करने के बाद फेस वॉश करने के बाद भी नहीं निकले हैं वो पोर्स डीप पोर्स से निकल जाए, और करने के बाद मुझे फेस वॉश कर लेना है। आफ्टर क्लीन योर फेस अब हमें अपने फेस को हाइड्रेट करना है। उसके लिए मैं सबसे पहले गुलाब जल का यूज़ करूँगी। गुलाब जल एज अ टोनर भी बहुत अच्छा वर्क करता है। कॉटन के हेल्प से मैं पूरे फेस पे गुलाब जल अप्लाई कर लूँगी। गुलाब जल सारे स्किन टोन के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। उसके बाद मैं नेक्स्ट एलोवेरा जेल अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी। एलोवेरा जेल भी सारे स्किन टाइप के लिए बहुत ही यूज़फुल जेल है जो आपके रात भर आपकी स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करेगा। अच्छे से मसाज कर लूँगी। फिर नेक्स्ट बारी आती है मेरे लिप्स के लिए। मैं लिप्स के लिए कोई बाम यूज़ नहीं करती हूँ, मैं घर की बनी जो मलाई रहती है दूध से निकली मलाई उसको अपने पूरे लिप्स पे लगा लेती हूँ जो रात भर मेरे लिप्स को एक मॉइस्चर